पसंद तो बिहार का लालू यादव शेर है, शेर है, बब्बन शेर है। गरीबों का मसीहा तो लालू थे शुरू से। चिराग पासवान को नहीं देंगे ना। दारू तो बिहार में खुलना चाहिए, दारू तो खुलिया मिल रहा है। ऐश के जिंदगी जीते थे, तो अब नहीं जी रहे। अब नहीं जी रहे। अब बहुत किसको वोट देगी? मोदी जी को देगी, लालू जी को देगी, किसको देगी? लालू को। लालू को देंगे? हाँ। काहे के लिए देंगे? काहे नहीं लालू को देंगे। लालू जेने तेने घर बना दिया, गरीब लोग के देखता था। हम लालू के साथ में, जिसको लिए किए वो जय जयकार है, जिसको लिए नहीं करे तो मुर्दाबाद है। तो किसको वोट देंगे? तो लालू के लड़का के हम लोग वोट देंगे। काहे के लिए लालू? हम लोग का व्यवस्था वही देता है, व्यवस्था है उससे, घर द्वार हम लोग का जगह दिया है बनाने के लिए। चोर कौन नहीं है? हम भी चोर है, आप भी चोर है, ये भी चोर है, पूरा देश भी चोर है। लालू जब था तो 12 रुपये किलो चावल था, अब 40 रुपये किलो चावल है। कोई नहीं, हमको विश्वास नेता लोग से उठ गया। लेकिन चिराग पासवान तो बोलते हैं कि हम सभी गरीबों के साथ। बोलने से क्या होगा? दुनिया को है इतना नेता बोला कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कहाँ हम लोग के कुछ किया, हम लोग तो रोड पर हैं। अच्छा, चिराग पासवान तो बोलते हैं कि हम आप लोगों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम गरीब को राशन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। राशन दे रहा है, सब बढ़िया से खा रहा है, बढ़िया से झोपड़ी उजाड़ उजाड़ के खा ले। घर बनाने के लिए तो पैसा दे रहे हैं ना मोदी जी? दे रहे हैं, दीजिए ना, तब देखते हैं, तब ना जानेंगे कि मोदी जी दे रहे हैं खाद बोलते हैं। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। देखिए, 2025 और 24 का जो चुनाव है वो काफ़ी नज़दीक आ गया है, लेकिन ऐसे में जो बिहार की जनता है और ख़ास करके जो दलित बस्ती होती है वहाँ की जो जनता है वो किनके सपोर्ट करती है, और क्या जिस तरीके से बिहार में दो युवा नेता माने जाते हैं, एक तो खुद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, तो दूसरा लालू के बेटे यानी कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, तो लोग किन्हें पसंद करते हैं, हम सीधा इन्हीं से पूछेंगे। अम्मा, आने वाले चुनाव में किसको सपोर्ट करेंगे? हम किसको सपोर्ट करेंगे? हम जिसको पाएंगे उसको दे देंगे, हमको किसी से लाभ नहीं है। अपना अपनी के जीतता है तो अपना घर भरता है, अपना संसार देखता है, कहाँ गरीब के देखता है, कोई गरीब के नहीं देखता है यहाँ। लेकिन चिराग पासवान तो बोलते हैं कि हम सभी गरीबों के साथ। बोलने से क्या होगा? दुनिया को है इतना नेता बोला कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कहाँ हम लोग के कुछ किया, हम लोग तो रोड पर हैं। 5 साल से सिटी एम्बेसडर बने, बाकी आज तक हम लोग के तनख्वाह नहीं मिला, तब हम क्या करें? हम किसको कहे कि कौन बढ़िया है कौन खराब है, किसको का करें? वैसा में तेजस्वी को वोट देंगे क्योंकि लालू के बेटे हैं तेजस्वी यादव, उनको वोट देंगे, बिहार के डिप्टी सीएम भी हैं। हम किसी को हम अथी नहीं करेंगे, हम जिसको पाएंगे उसको दे देंगे, कोई नहीं, हमको विश्वास नेता लोग से उठ गया। किसे सपोर्ट करते हैं हम लोग? किसे सपोर्ट करेंगे? किसे वोट देंगे चुनाव में? किसे जो जो जनता के लिए करता है उनको देंगे। हाँ, तो कौन कर रहा है आप लोगों के लिए काम, कौन अच्छा कर रहा है अभी? कहाँ कोई कुछ कर। अच्छा, चिराग पासवान तो बोलते हैं कि हम आप लोगों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। गरीब के लिए कहाँ कुछ चीज का सुविधा दे रहा है, यहाँ तो कुछ नहीं है गरीब के लिए। हाँ, तो ऐसा में लालू के बेटे को वोट देंगे, बिहार के डिप्टी सीएम को? देखिए क्या करते हैं। चिराग पासवान को पसंद करती है या बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी को पसंद करती है? एक लालू के बेटे हैं और एक रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, किसे पसंद करती है? देखिए, भलाई जो करेगा गरीब को उसी को पसंद करेगा। और जो गरीब के उजार फुजार के इन्ने उन्ने झुट्टों के इन्ने उन्ने ढिमला के रखेगा रोड पर, तो कहाँ किसको पसंद करेगा? तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम गरीब को राशन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। राशन दे रहा है, सब बढ़िया से खा रहा है, बढ़िया से झोपड़ी उजाड़ उजाड़ के खाली अथी बनता है, रोड पार्क पुल नाला ताला के गरीब के उजाड़ के जिन्हें तने भेजिए रहा है, कहाँ भेजेगा ना, कर जमीन देंगे तो गैस तो दिए ना घर में, गैस चूल्हा। हाँ, गैस हम लोग अपने पैसा से किने हुए हैं, हम लोग गैस चूल्हा नहीं मिला। प्रधानमंत्री नहीं दिए गैस? हमको नहीं दिया है, हम लोग को नहीं मिला, ये मोहल्ला में नहीं मिला, बहुत खाली गाँव घर में मिला है, कोई साहित्य पटना में मिला होगा, बाकी हम लोग अपना से किने हैं। तो घर बनाने के लिए तो पैसा दे रहे हैं ना मोदी जी? दे रहे हैं, दीजिए ना, तब देखते हैं, तब ना जानेंगे कि मोदी जी दे रहे हैं खाली बोलते हैं।
कहाँ मिला, तो अभी झोपड़ी में रहेंगे। अम्मा वैसा में चुनाव किसको दीजिएगा, लालू को दीजिएगा हाँ, या आप मोदी जी को ही दीजिएगा? तो बात के एक बात बोल रहे हैं, जो भलाई करेगा, जो गरीब के साथ देगा उसी को देगा। अम्मा 2024 चुनाव आ रहा है, किसको वोट देगी, मोदी जी को देगी, लालू जी को देगी, किसको देगी? लालू को। लालू को देंगे हाँ, काहे के लिए देंगे? काहे नहीं लालू को देंगे, लालू जेने तेने घर बना दिया, गरीब लोग के देखता था हाँ। आ नीतीश कुमार का दिए हैं, एगो झोपड़ियो नहीं दिया और झोपड़ी कवा रहे, गरीब को मुआ रहे, आ अमीर के कोठा पर कोठा बनवा रहे हाँ। तो क्या करेंगे बताइए? चिराग पासवान है, चिरवास पासवान हम कहीं देंगे? हमारा वोट है, हम किसी जिसका मन करेगा उसको देंगे, मेरा वोट ना है, हमारा मन करेगा उसी को ना देंगे। तो लालू को देंगे? हम लालू को देंगे, चिराग पासवान को नहीं देंगे? नहीं लालू को देंगे। लेकिन चिराग पासवान तो कहते हैं कि जो दलित बस्ती होती है उसके लिए मैं बहुत काम कर रहा हूँ, काम नहीं किया आपके लिए? कहाँ हम लोग के काम किए, जिसको लिए किए उसको लिए जय जयकार है, जिसको लिए नहीं किए वो मुर्दाबाद है, जिसको लिए किए वो जय जयकार है, जिसको लिए नहीं करे तो मुर्दाबाद है। घर नहीं मिला? कहाँ घर मिला, नहीं कहाँ मिला घर, घर मिलता तो हम यहाँ रोड पर रहते कि कखनी आएगा कखनी तूर देगा, कोई ठिकाना नहीं, चार गो पाँच गो बाल बच्चा के लेकर रोड पर चिमकी घेर के रहेंगे, वो चिमकी उखाड़ के फेंक देगा तब कहाँ जाएंगे, तब कहाँ जाएंगे? तो घर देते तब ना हम कहते घर दिए हैं, जिसको घर है जिसका है लाठी है उसका चार गो घर है, और जिसका लाठी नहीं तो उसको एक को घर नहीं। मोदी जी गैस चूल्हा तो दिए ना, तो गैस दिए है तो कहीं पर पका के खा लेंगे, तो सबको गैसे दिए हैं, जिसको जिसको दिया वो जय जयकार है, जिसको जिसको नहीं दिया वो मुर्दाबाद है। हमका कहाँ मिला, हम लोग तो नए हुक्म लिए हैं। चिराग पासवान तो लालू का लड़का है जी, राम विलास का है हाँ, तो किसको वोट हाँ। देंगे? तो लालू के लड़का के हम लोग वोट देंगे। अच्छा लालू के लड़का को वोट देंगे, काहे के लिए देंगे तेजस्वी यादव को वोट? वो हम लोग के लिए बहुत कुछ किया है, और हम लोग का छपरा जिला घर है समझिए, इंदिरा आवास बनवा है 50 साल 30 साल 25 साल पहले। और दूसरा बात कि हम लोग के पानी देहात में हो जाता था ना, तो पानी के साधन निकलता था कि यहाँ से पानी निकले कि मेरा जनता सुखला पर रहा। और दूसरा बात कि गाय भैंस के हम लोग के सुविधा देते थे। लेकिन चिराग पासवान तो बोलते हैं कि मैं भी तो गरीबों का मसीहा हूँ, युवा नेता है बिहार में। वो है लेकिन हम लोग को सब मतलब नहीं, हम लोग को जो सुविधा देगा ओकरे से ना मतलब रखेंगे गुरु, समझ गए, जो सुविधा देगा उसी को हम लोग आँख ठहरा के चिन्हेंगे कि हाँ भैया ठीक है। तो 2024 और 2025 में लालू, अभी भी लालू के अगर हम लोग वोट दिए हैं, सारा जनता दिया, रोड पर जाके पूछिए ये वाला चुनाव में किसका वोट दिए, तो लालू के, अब नीतीश के जीत हो गया। ये चीज़ के आप लोग पता लीजिए कि इंटरव्यू लीजिए कि कैसे हो गया ये, हाँ लालू के लड़का के वोट मिला, नीतीश के सीट कैसे हो गया? कहीं पर भी रहेंगे ना लालू, तो जय जयकारे रहेंगे। कौन जय जयकार रहेगा? लालू। लालू हाँ, काहे के लिए जय जयकार? काहे ले, हम लोग सब चीज किए है। वो लालू यादव चारा चोर है, वो जेल गया है, जेल गया हजार, अब हमरे है, हम चोरी, हम मुख्यमंत्री हैं, हमरा पीछे चेला लोग है, तो चेला जाए करेगा तो भीतर हम ही ना जाए। चोर कौन नहीं है, हम भी चोर है, आप भी चोर है, ये भी चोर है, पूरा देश भी चोर है, चोर काहे नहीं है? मोदी जी जेल भेजवा रहे हैं लालू जी को, मोदी जी जेल भेजवा रहे हैं, जेल भेज तो खुद हूँ। देखिए आप आए हैं जनता को जागरण करने के लिए, तो जागरण करिए, जनता को किसको वोट देना है वो मेरा मर्जी है, मेरा वोट है, हमारा मन करेगा तो पंजा छाप के देंगे, मन करेगा कमल छाप के देंगे, मन करेगा तो तिरछुल के देंगे, वोट तो बहुत किस्म का था, जिसको हमारा मन भरेगा उसी को वोट देंगे, वो मेरा वोट है। गरीबों का मसीहा तो लालुए थे शुरू से लेकिन लालुए के वोट देंगे हम लोग और क्या कर। चिराग पासवान को नहीं देंगे ना? चिराग पासवान चोर है चाचा, लालू यादव चोर है, वो जेल गए। लेकिन चिराग जाएंगे, अब छूटेंगे तब जाएंगे, वो ही जाएंगे। अच्छा लालू, लालू काहे के लिए लालू? हम लोग तो व्यवस्था वही देता है, व्यवस्था है उससे, घर द्वार हम लोग का जगह दिया है बनाने के लिए हाँ। पढ़ाई लिखाई भी सही होता था सरकारी में, चावल दाल सब मिलता था बच्चा लोग के, ऐसा बहुत कुछ हम लोग खातिर लालू किया है। तो मोदी जी तो बोल रहे हैं कि हम भी सबको घर दे रहे हैं, सबको गैस सिलेंडर दे रहे हैं, सबका खाता खुलवा रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि लालू को वोट देंगे? हमको मोदी जी सब खाली पुल बना रहा है हाँ। राशन महंगा कर ले, तेल महंगा कर ले, सब सस्ता करो हाँ। हाँ? हम लोग लालू के जात, लालू जब था तो 12 रुपये किलो चावल था हाँ। अब 40 रुपये किलो चावल है हाँ। बताइए 10 रुपये में 100 ग्राम तेल लेते थे, अब 25 रुपये में 100 ग्राम तेल मिलता है, कहाँ से इतना आएगा? तो इसीलिए लालू जी को लालू जी को हम लोग वोट देंगे।
घर कबारो न झोपड़ी को खाली पुल बनावन कौन बना रहा है लालू जाती वो बनावन नीतीश कुमार हाँ। नीतीश कुमार तो अभी लालू जी के साथ काम कर हाँ। रहे हैं आप पूछो करन मिलल हन लेकिन आप लालू यादव को वोट देंगे हाँ। काहे के लिए लालू बढ़िया है लालू बढ़िया बिहार में घर द्वार सबके देले है दारू बंद है के दारू तो बिहार में खुलना चाहिए दारू तो खुलिया मिल रहा है दारू तो बिहार में खुलना चाहिए जब से नीतीश आया गली के दम इथी कर दिया है तो आज नीतीश जी लालू जी के साथ तो काम कर रहे हैं नहीं ना नीतीश अलिए ना लेता लालू का किया उतना नीतीश नहीं कर पाएगा तो मोदी को नहीं लाएंगे मोदी का तो वोट नहीं पड़ेगा नीतीश का वोट पड़ेगा लालू का वोट पड़ेगा मोदी का वोट नहीं पड़ेगा बिहार में तो चिराग पासवान भी है युवा नेता है चिराग पासवान को सपोर्ट नहीं करते चिराग पासवान भी बढ़िया है बढ़िया हाँ वो भी बढ़िया चिराग पासवान वोट देंगे चिराग पासवान कहा ना बढ़िया करेगा बिहार में तो बढ़िया उसको वोट पड़बे करेगा किसको देंगे चिराग पासवान को देंगे या लालू को देंगे अगर देखिए बढ़िया होगा लाल तो उसको देंगे तो लालू को देगा जो बिहार में अगर बढ़िया होगा नेता तो आजकल तो नेतो लोग चोर है केकरा पे भरोसा करल जाता है लेकिन दारू खोलना है दारू तो बिहार में खोलना दारू तो ऐसा भी खुलिया मिल रहा है बिहार में हम लालू के साथ में काहे के लिए लालू के साथ में लालू हम लोग के खुश करता था गरीब लोग के खुश करता था कौन सी देते थे घर द्वार सब सिच से खाने जहाँ मन वहाँ पसर जाते थे जहाँ मन वहाँ घर द्वार देते थे ऐसे के जिंदगी जीते थे तो अब नहीं जी रहे अब बहुत कमाना में पर उखदमा हो गया हम लोग कचरा फेंकने पर जाते थे हम लोग पे रोकटमा लग गया है हम लोग के कौन लगा दिया है ये नीतीश लगा दिया है कि कमाने खाने पर कचरा कहीं नहीं फेंके कहीं दो रुपया कोई लोग नहीं कमाए दूगो चुनने वाला कोई नहीं कमाए तो उसको पेट पे लात मारा गाड़ी पे कचरा फेंकाता है वो कहीं गली गली में फेंकाता है गरीब लोग भूख मरता है तो चिराग पासवान को वोट नहीं देंगे चिराग पासवान को नहीं वोट देंगे वो पप्पू नहीं है वो सही है क्या बोले वो पप्पू नहीं है वो सही है कौन सही है चिराग पासवान सही है वो सही है वो तगड़ा बोलता है जवाब देता है मुंह पे उसको वोट देंगे उसी को भी वोट दे देंगे अच्छा। जो अच्छा करेगा वो उसको पसंद किसको करते हैं पसंद तो बिहार का लालू यादव शेर है शेर है बब्बन शेर है 56 इंच का सीना मोदी जी का वो बोलते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना आप बोल रहे हैं कि शेर है वो शेर है बिहार का कोई से पूरा यारपुर में पूछ लीजिए वो बिहार है शेर का पूरा गरीब के पूरा देखता है अमीर को हटा देता है गरीबों भगाओ क्या क्या आपके लिए क्या क्या किए जो सरकार आए ले गरीबों को भगाओ अमीरों को लाओ तो हम तो कहाँ जाए हम लोग जो पैदल लिए जो जन्म लिए बाप दादा भगा रहे हैं नहीं भगा रहे सड़क सड़क में भगा रहे हैं सड़क सड़क पे भगा रहे सब कोई के भगा रहे हैं ठेला वाला रिक्शा वाला को कमाने खाने वाला को सबको भगा रहे हैं हाँ जहाँ जहाँ दुकानदार लोग खोले हुए हैं उसका सबको लोग लगा दिया है उसका रेलिंग गिर दिया है उसका कमाने खाने पर रोक लगा दिया है उसका कमाने खाने पर जोपत दे दिया है रोड पे दुकान लगाता है उसको डिस्टर्ब करता है बहुत कर्म तो करता है नहीं दारू तो हम लोग नहीं पिए हैं हम लोग तो भांग खाते हैं बस इतनी दारू तो अभी बजा बाबा का भक्त है जी नहीं हाँ हम लोग मोदी बाबा के कुछ भी है कुछ लालू यादव के भी है तो मैं तो लालू यादव के भी है हम लोग हैं कहे कि बिहार के वही है मोदी सरकार सही है कहने में सब चीज़ में सही है बाकी विकास नहीं हो रहा है कहाँ विकास है विकास उतल है मोदी जी तो बोल रहे हैं कि घर घर हम हर चीज़ दिए घर बनवाए गैस सिलेंडर दिए राशन दे रहे हैं हाँ घर घर गैस दे दिए ठीक है घर घर गैस दे दिए अब एक महीना दे दीजिएगा खाला और दूसरे का महीना कौन खाला देगा कौन खिलाएगा 1010 रुपया हो गया पहले था 1220 रुपये के 10 रुपये सिलेंडर था ठीक है उतना कर दिया पहले 400 कितना था शुरू में 400 रुपये था चुप ना 410 रुपये 20 रुपये था सिलेंडर का था कि नहीं 500 रुपये अब आ गया था 1200 अब फिर आया 1010 रुपया हुआ अब बताइए अब चुनाव हुए तो 1010 हो गया
आ चुनाव नहीं था जो 1200 पार हो गया। जी हाँ, तो देख रहे हैं कि ये दलित बस्ती है। यहाँ पे साफ तौर पे इन लोगों का कहना है कि हमारे लिए हर कदम पर लालू यादव की जो पार्टी है वो साथ रही है, तो ऐसे में हम किसी और पार्टी को वोट कैसे दे सकते हैं। यानी कि 2024 और 2025 की जो चुनाव होने वाली है उसमें ये तमाम लोग जो हैं वो लालू की पार्टी को ही वोट देंगे, क्योंकि वो लालू की जो पार्टी है इनके लिए धरातल पर काम करती है। और यही कारण है कि 2024 में ये केंद्र में लालू के पार्टी को बैठाएंगे, तो वहीं पर बिहार में 2025 में लालू की ही पार्टी को वोट देकर बिहार सरकार भी बनाएंगे। तो फिलहाल देशवा न्यूज में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।